गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम द फैकल्टी ऑफ SDIT कॉलेज दौसा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जैसा कि हमारी सब्जेक्ट का नाम है EMD, इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन, जिसमें कल हमारा टॉपिक था नंबर ऑफ रोटर स्लॉट, नंबर ऑफ रोटर टर्न, रोटर टर्न पर फेज, रोटर करंट, एरिया ऑफ रोटर कंडक्टर, साइज ऑफ रोटर स्लॉट, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ रोटर टूथ। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिजाइन ऑफ मोटर AC वाइंडिंग, जिसमें सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग, DC वाइंडिंग जिसमें लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, फ्रॉग लैप वाइंडिंग। इंट्रोडक्शन टू डिजाइन। द मेन पर्पज ऑफ डिजाइनिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज टू ऑब्टेन द कंप्लीट फिजिकल डायमेंशन ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द मशीन। इंडक्शन मोटर को डिजाइन करने का मुख्य उद्देश्य मशीन के सभी पार्ट्स जैसे स्टेटर, रोटर आदि के सभी मुख्य डायमेंशन का पता लगाना होता है। द फॉलोइंग डिजाइन डिटेल आर रिक्वायर्ड। जो मशीन की डिजाइन डिटेल है वो निम्न प्रकार से हैं। द मेन डायमेंशन ऑफ द स्टेटर, स्टेटर की मेन डायमेंशन का पता लगाना। डिटेल ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर की वाइंडिंग की डिटेल का पता लगाना। डिजाइन डिटेल ऑफ रोटर एंड इट्स वाइंडिंग, रोटर की डिजाइन और वाइंडिंग की डिजाइन की डिटेल का इंफॉर्मेशन लेना। परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स, इसमें हम प्राय मोटर की करेक्टरिस्टिक्स जब करते हैं तो उसकी डिजाइनिंग के बारे में देखते हैं। In order to get the above design detail, the designer need the customer specification. In order to get the above design, जब भी हम इंडक्शन मोटर की डिजाइन करते हैं तो उस डिजाइन में हम कस्टमर जो होता है उसकी स्पेसिफिकेशन को भी देखते हैं कि कस्टमर की स्पेसिफिकेशन क्या है, कस्टमर क्या स्पेसिफिकेशन मांगता है। इसमें रेटेड आउटपुट पावर, रेटेड वोल्टेज, नंबर ऑफ फेज, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, कनेक्शन ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, टाइप्स ऑफ रोटर वाइंडिंग, वर्किंग कंडीशन, शाफ्ट एक्सटेंशन डिटेल। इसके अलावा हम इसमें जो मोटर की जब भी डिजाइन करते हैं तो मोटर की आउटपुट पावर कितनी रखनी है, रेटेड आउटपुट पावर, उसकी रेटेड वोल्टेज कितनी रखनी है, फेजों की संख्या कितनी रखनी है, सिंगल फेज की लेनी है या थ्री फेज की लेनी है, मोटर मोटर की स्पीड कितनी है RPM में, RPS में कितनी है, मोटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज पे ऑपरेट करवानी है या 60 हर्ज पे मोटर को ऑपरेट करवानी है। स्टेटर की जब हम वाइंडिंग करते हैं तो उस वाइंडिंग का कनेक्शन देखना होता है कि स्टार स्टार में करना है या स्टार डेल्टा में करना है या डेल्टा स्टार में करना है या डेल्टा डेल्टा में कनेक्शन करना है। रोटर वाइंडिंग के प्रकार देखते हैं कि रोटर वाइंडिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मोटर की वर्किंग कंडीशन देखते हैं और मोटर की जो शाफ्ट है उसकी डिटेल्स के बारे में हम देखते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस चॉइस ऑफ वेरियस पैरामीटर, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एबिलिटी, यानी वेरियस पैरामीटर जो मोटर के होते हैं उनकी हम क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं रिगार्डिंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल पैरामीटर। उसमें जो डिफरेंट मटेरियल का यूज किया जाता है उसके पैरामीटर के बारे में, सच एज आयरन एंड कॉपर लॉस, नो लोड करेंट, पावर फैक्टर, टेम्परेचर राइज एंड इफिशियंसी।
मोटर पैरामीटर की इंफॉर्मेशन देखते हैं, मोटर के लिए जो मटेरियल की सूचना है वो लेते हैं, मोटर में जो आयरन और कॉपर लॉस होता है, नो लोड करंट है, पावर फैक्टर है, टेम्परेचर राइज है, मोटर की इफिशियंसी है, आदि की हम इंफॉर्मेशन लेते हैं इसके अंदर। एसी मशीन वाइंडिंग, एसी मशीन वाइंडिंग दो तरह की होती है, एक तो होती है सिंगल लेयर और चेन वाइंडिंग और दूसरी होती है डबल लेयर वाइंडिंग। कौन सी होती है? डबल लेयर वाइंडिंग। तो पहली पढ़ते हैं हम सिंगल लेयर और चेन वाइंडिंग। चेन वाइंडिंग हैव ओनली वन कोइल साइड पर स्लॉट एंड द नंबर ऑफ आर्मेचर कोइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट। जो सिंगल लेयर है और जो चेन वाइंडिंग है इसमें वन कोइल साइड पर स्लॉट होता है और नंबर ऑफ आर्मेचर कोइल नंबर ऑफ स्लॉट के इक्वल होती है। नंबर ऑफ आर्मेचर कोइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट। नंबर ऑफ आर्मेचर कोइल, आर्मेचर कोइलों की जो संख्या होती है वो मोटर में जो स्लॉट डाले जाते हैं उनकी संख्या के बराबर होती है। द नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच स्लॉट मे बी ऑड और इवन। नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच स्लॉट, प्रत्येक स्लॉट में जो नंबर ऑफ कंडक्टर डाले जाते हैं वो या तो ऑड संख्या में होते हैं या इवन संख्या में होते हैं, या तो वो विषम संख्या में डाले जाएंगे या फिर वो सम संख्या में डाले जाएंगे। द शेप ऑफ द कोइल आर नॉट द सेम बिकॉज द एंड कनेक्शन मस्ट लाई इन डिफरेंट प्लांट्स, जनरली टू और थ्री प्लांट्स। द शेप ऑफ द कोइल आर नॉट द सेम, कोइल की जो शेप है वो सेम नहीं होती है, बिकॉज द एंड कनेक्शन मस्ट लाई इन डिफरेंट प्लांट्स, क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स के लिए जो एंड कनेक्शन जो हम यूज कर रहे हैं वो टू या थ्री प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। यानी कि क्योंकि कनेक्शन के एंड में प्लांट डिफरेंट होता है जो कि टू और थ्री प्लांट्स होते हैं। डबल लेयर बाइंडिंग, हम डबल लेयर बाइंडिंग की बात करें तो ईच स्लॉट हैज टू कोइल साइड, प्रत्येक स्लॉट में दो कोइल साइड होती है, यानी एक स्लॉट में दो कोइल साइड होती है। तो दो स्लॉट की बात करेंगे तो चार कोइल साइड हो जाएगी। तो ईच स्लॉट हैज टू कोइल साइड, प्रत्येक स्लॉट में दो कोइल की क्या होती है? साइड्स होती है। द नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट इज एन इवन नंबर, प्रत्येक स्लॉट में नंबर ऑफ कंडक्टर जो होते हैं वो इवन नंबर में होते हैं, सम संख्या में होते हैं। द नंबर ऑफ कोइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ कोइल जो होती है वो नंबर ऑफ स्लॉट के इक्वल होती है। जो डबल लेयर वाइंडिंग होती है उस डबल लेयर वाइंडिंग में जितनी कोइल होती है उतने ही स्लॉट होते हैं। जैसे मानो कि 10 कोइल होगी तो 10 ही स्लॉट होंगे, या 20 कोइल होगी तो 20 ही इसमें स्लॉट होंगे। ऑल कोइल हैव द सेम शेप, प्रत्येक कोइल की शेप जो होगी समान होगी। जैसे इसमें 10 कोइल होगे तो 10 कोइल की जो शेप है वो समान होगी, 20 कोइल अगर लेंगे तो 20 कोइलों की शेप इसमें समान होगी। डीसी मशीन टाइप ऑफ वाइंडिंग, डीसी मशीन की बाइंडिंग की बात करें तो ये तीन तरह की बाइंडिंग होती है। एक तो होती है लैप बाइंडिंग, दूसरी होती है वेव बाइंडिंग और तीसरी होती है फ्रॉग लेग वाइंडिंग। अब बात करते हैं हम पहली वाइंडिंग में जो है हमारी लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, जो सिंपल लैप बाइंडिंग होती है उसमें द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए बराबर पी, उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की जो संख्या होती है वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग आर कॉमन, इसमें जो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है
उसको कॉमन लिया जाता है। यानी सिंपल लैप बाइंडिंग की बात करें तो इसमें नंबर और पैरेलल पाथ जो होते हैं वो पोल की संख्या के बराबर होते हैं, और इसमें प्रोग्रेसिव बाइंडिंग जो होती है वो कॉमन होती है। अगर हम बात करें लैप बाइंडिंग में ही, तो लैप बाइंडिंग होती क्या है, पैरेलल पाथ एंड पोल्स आर इक्वल इन नंबर। इसमें जो पैरेलल पाथ है और पोल है वो इक्वल नंबर में होते हैं। द एंड ऑफ ईच आर्मेचर कोइल इज कनेक्टेड टू द एडजेसेंट सेगमेंट ऑन द कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। थ्री टाइप्स ऑफ लैप बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग के तीन टाइप होते हैं। एक तो होती है हमारी सिंपल एक्स लैप बाइंडिंग, एक होती है डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, और एक होती है ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग। अब हम बात करते हैं वेब बाइंडिंग की। सिंप्लेक्स वेब बाइंडिंग, सिंपल वेब बाइंडिंग में क्या होता है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए बराबर टू, यानी जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है उनकी संख्या दो होती है। रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग आर कॉमन, इसमें जो रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होती है वो कॉमन होती है। मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग में लैप वेयर ए बराबर एमपी। एम क्या होता है, एम होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बाइंडिंग, और पी होता है नंबर ऑफ पोल। वेव वेयर ए बराबर 2m, 2 ए की वैल्यू मैंने बताई थी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 के बराबर होता है, और m मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग होती है। मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग आर नॉट यूज इन मच, मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग को ज़्यादातर हम यूज में नहीं लेते हैं। अब हम बात करें एक बार वेव बाइंडिंग के बारे में, तो सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए बराबर 2 होते हैं, और इसमें रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग कॉमन होती है, और मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग का ज़्यादा हम इसमें यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो वेव बाइंडिंग है, टू पैरेलल पाथ आर प्रोवाइडेड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रश। द फिनिशिंग एंड ऑफ द आर्मेचर कोइल इज कनेक्टेड टू द अदर आर्मेचर कोइल। द स्टार्टिंग एंड ऑफ द अदर आर्मेचर कोइल कम्यूटेटर सेगमेंट इज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। अब हम बात करते हैं फ्रॉग लेग बाइंडिंग के बारे में। फ्रॉग लेग बाइंडिंग क्या होती है हमारी, फ्रॉग लेग बाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ लैप बाइंडिंग एंड वेव बाइंडिंग प्लेस ऑन द सेम आर्मेचर। फ्रॉग लेग बाइंडिंग में सेम आर्मेचर पर लैप और वेव बाइंडिंग की जाती है, यानी जिस आर्मेचर पर तुम लैप बाइंडिंग करोगे उसी आर्मेचर पर तुम्हें वेव बाइंडिंग करनी है। दोनों बाइंडिंग समान आर्मेचर पे हमें करनी पड़ती है फ्रॉग लेग बाइंडिंग में। द वेव बाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर सेगमेंट एट इक्विपोटेंशियल पॉइंट सो दैट दिस बाइंडिंग पार्ट कैन बी यूज एज एन इक्वलाइजर फॉर द लैप बाइंडिंग। अब इसमें देखें, वेव बाइंडिंग कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ते हैं, जो वेव बाइंडिंग है उसको कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट का जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट होता है उस इक्विपोटेंशियल पॉइंट से हम वेव बाइंडिंग को जोड़ देते हैं। सो दैट दिस बाइंडिंग पार्ट कैन बी यूज, तो इस बाइंडिंग का जो पार्ट है वो इक्विलाइजर का काम करता है लैप बाइंडिंग के लिए। एक बार हम रिपीट करके और बता देते हैं आपको। देखो, इंट्रोडक्शन टू डिजाइन क्या होती है, कभी भी हम मशीन की डिजाइन करते हैं तो उसमें हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखते हैं कि इंडक्शन मोटर को डिजाइन करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मशीन के सभी पार्ट्स, जैसे स्टेटर है, रोटर है,
आदि की सभी मुख्य डायमेंशन का पता लगाना, मशीन डिजाइन की डिटेल निकालना, जैसे स्टेटर की मेन डायमेंशन निकालना, स्टेटर वाइंडिंग की डिटेल निकालना, रोटर की डिजाइन और वाइंडिंग की डिजाइन की डिटेल निकालना, मोटर की करेक्टरिस्टिक जो हम करते हैं उसकी डिजाइन निकालना, इसके अलावा मोटर की जो आउटपुट पावर है, रेटेड वोल्टेज है, उसमें फेजों की संख्या है, मोटर स्पीड है, उसकी फ्रिक्वेंसी है, स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन है, रोटर वाइंडिंग के प्रकार है, मोटर की वर्किंग कंडीशन है, मोटर की शाफ्ट डिटेल है, इन सभी की सूचना हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसकी डिटेल निकालते हैं। इसके अलावा मोटर पैरामीटर की इंफॉर्मेशन लेते हैं, मोटर के लिए जो हम मटेरियल लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, मोटर में आयरन और कॉपर लॉसेज कितना होगा, उसमें नो लोड करेंट क्या होगी, उसका पावर फैक्टर कितना होगा, टेम्परेचर उसमें राइज कितना होगा, मोटर की इफ़िशियंसी की इंफॉर्मेशन वगैरह, ये सारी चीज़ इंट्रोडक्शन टू डिजाइन में देखी जाती है। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करें, एसी मशीन डिजाइन। तो मैंने बताया था एसी मशीन डिजाइन में पहली थी हमारी सिंगल लेयर और चैन वाइंडिंग। इसमें वन कोइल साइड पर स्लॉट होते हैं, नंबर ऑफ आर्मेचर कोइल नंबर ऑफ स्लॉट के इक्वल होते हैं और प्रत्येक स्लॉट में कंडक्टर की जो संख्या है वो ऑड और इवन यानी सम और विषम होती है और कोइल की शेप समान नहीं होती है क्योंकि कनेक्शन के एंड में प्लान डिफरेंट होता है, यह टू और थ्री प्लान्स होते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं हम डबल लेयर वाइंडिंग की। तो प्रत्येक स्लॉट में दो कोइल साइड होती है और प्रत्येक स्लॉट में नंबर ऑफ कंडक्टर इवन नंबर यानी सम संख्या में होते हैं और कॉइल की जो संख्या है वो स्लॉट की संख्या के बराबर होती है और प्रत्येक कोइल जो होती है वो समान शेप में होती है। अब हम बात करते हैं डीसी मशीन बाइंडिंग में। तो डीसी मशीन में मैंने बताया था एक तो लैप बाइंडिंग होती है। अब लैप बाइंडिंग में क्या बताया था मैंने कि सिंपल लैप बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो पोल की संख्या के बराबर होते हैं और इसमें प्रोग्रेसिव बाइंडिंग कॉमन होती है क्योंकि पैरेलल पाथ एंड पोल आर इक्वल इन नंबर, द एंड ऑफ ईच आर्मेचर कोइल इज कनेक्टेड टू द एडजेसेंट सेगमेंट ऑन द कम्यूटेटर। ये तीन तरह की बताई थी मैंने, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग और ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग। उसके बाद में आते हैं अपन वेव बाइंडिंग में। तो सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए बराबर होते हैं दो और इसमें रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग जो होती है वो कॉमन होती है और मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग का हम क्या करते हैं इसमें ज़्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि वेव बाइंडिंग टू पैरेलल पाथ आर प्रोवाइड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रश। उसके बाद में चलते हैं हम फ्रॉग लेग बाइंडिंग पर। तो फ्रॉग लेग बाइंडिंग में मैंने बताया था कि फ्रॉग लेग बाइंडिंग में सेम आर्मेचर पर लेप और वेव बाइंडिंग की जाती है और वेव बाइंडिंग जो है वो कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ते हैं उसको और वाइंडिंग के पार्ट को लेप बाइंडिंग की तरह यूज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।